नोमी, मेरे बच्चे के कमरे में क्या कर रहा है? आंटी मैं बस टॉर्च देख रहा था। चोरी कर रहा था ना? नहीं, चोरी कर रहा था ना? मुझे तो पता था तू चोर है। निकल मेरे घर से, चोर कहीं का, जैसी माँ वैसी औलाद। मुमानी, ये आपने क्या किया? आपने राफे को धक्का दिया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मेरी मामा या मेरे भाई को किसी ने कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। बहुत जबान चलने लगी है, बड़ी बदतमीजी आ गई है तुम्हें। निकलो मेरे घर से अभी, और इसी वक्त, वरना पहले की तरह घर से बाहर निकालूंगी। अरे अरे, ये शोर कैसे, क्या हुआ है नायला, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये तुम्हारे बालिश भर के लड़के से पूछो। मेरे बच्चे के कमरे में घुस के चोरी कर रहा था, जरा सा डांट क्या दिया, तुम्हारी लड़की ने सारा घर सर पे उठा लिया, वावेला मचाया हुआ। इससे कहो अभी और इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से चली जाए, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद हो। बस जो कुछ आप लोगों ने किया है ना, उससे बुरा और क्या होगा भला? मेरी एक रोटी आप लोगों को इतनी भारी पड़ रही थी कि मेरे सगे मामू ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। मेरी मामा, मेरे भाई ने मुझे दूर कर दिया। खुदा का खौफ भी नहीं है आप लोगों को? अरे हमारे 50 लाख रुपए आप लोग। चुप कर जाओ, चुप रहो। मामा देखिए क्या किया है, राफे के कान लाल हो रहे हैं। अरे अरे, मेरे बच्चे ने कुछ कहा था तुम मुझे बता दी, इसको मारने की क्या जरूरत थी? गलती हो गई मुझसे, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। कसम से मैंने तो अपना बेटा नोमी समझ के मैंने इसको जरा सा डांट दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस घर में मेरा बच्चा और तेरा बच्चा का उसूल होने लगा है। मतलब किसी को अच्छी बुरी बात कह ही नहीं सकते अब। मगरमच्छ के आंसू मत बहाए, मम्मा नहीं जानती होंगी, मामू को नहीं पता होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके दो दो चेहरे। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, और मैंने तुम्हें मना किया ना यहाँ आने से। मामू, इस घर में मेरी मामा और मेरा भाई भी रहते हैं, मैं उनसे मिलने भी नहीं आ सकती। नहीं आ सकती, ठीक है? और तुम्हारी ये बार बार नायला के साथ बदतमीजी को मैं इसलिए इग्नोर करता हूँ क्योंकि तुम सोनिया की बेटी हो। चलो माफी मांगो नायला से। मैं माफी मांगू? माफी मुमानी को राफे से मांगनी चाहिए। इस मासूम बच्चे ने नोमी के खिलौनों को हाथ क्या लगा दिया? मुमानी ने उसे हर्ट किया, धक्का दिया मेरे सामने। अगर मैं ऐन वक्त पे ना आती तो पता नहीं और क्या क्या करती। और बाय द वे, जिन खिलौनों की आप लोग बात कर रहे हैं ना, वो मेरे पापा ने लेकर दिए, और प्लेस्टेशन भी। बस बंद करो तुम अपनी, ठीक है? और निकल जाओ यहाँ से, और वापस नहीं आना यहाँ पे। सदाकत, समझा दूंगी मैं इसे। मुझे भी आप लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है। तुम जा रही हो या नहीं? देखा तुमने कैसे बदतमीजी कर रही है ये। बात सुनो सीरियसली, इससे कह दो यहाँ से जाए, मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ आए। और अगर तुमने मिलना है ना इससे, तो अनवार साहब के घर जाके मिलो। बस कर दो सदाकत, जो कुछ देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो गया? तुम्हारी भांजी है, तुम उससे ऐसे तो नहीं कह सकते ना। देखो सोनिया, मैं नहीं चाहता कि ये रोज यहाँ आए, उसका रोज नायला से झगड़ा हो, इसलिए कह रहा हूँ उससे कहो कि यहाँ से चली जाए। समझा दूंगी मैं सदाकत, इसे नहीं आएगी ये। चलो भाई, मेरी तबीयत खराब हो रही है। राफे, मेरी जान, कि तुम्हारी आपी का तुमसे प्रॉमिस है कि तुम्हें ऐसे बहुत से खिलौने लेकर देगी। आपी, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, तुम्हारी मामा
तुम्हें जमाने की तपती धूप से नहीं बचा सकी। अमल बेटा जाओ, आइंदा से मत आना, मैं खुद ही आके तुमसे मिलूंगी। जाओ। मनाहिल, कैसी हो? कैसे याद आ गई मेरी? क्या अमल, तुमने तो फोन उठाते ही शिकवा शिकायत करना शुरू कर दी। शिकवा तो मुझे करना चाहिए, बल्कि शिकायत। शिकवा शिकायत मुझसे? हाँ तुमसे। कल मेरी बर्थडे थी और तुमने विश पे नहीं किया। After all, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ यार। I'm so sorry, मैं बिल्कुल भूल गई। अब मेरी जिंदगी में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। By the way, happy belated birthday. तुम्हारी मुबारकबाद ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट करूंगी मैं। एक शर्त पे करूंगी, तुम्हें मेरी पार्टी में आना होगा। पार्टी? हाँ, मैं अपनी बर्थडे की ट्रीट दे रही हूँ और तुम्हें लाजमी आना होगा। वैसे भी इतने दिन हो गए हम सबको एक साथ बैठे हुए। कौन कौन आ रहे हैं? सब आ रहे हैं क्या? बेला, शाजिम और उनका जो ग्रुप था वो, और रेहान भी आ रहा है, उसने भी मुझे प्रॉमिस किया। चलो मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी है, लाजमी आना है तुम्हें। हम सब मिलके एंजॉय करेंगे पहले की तरह। ओके बाय। बाय। पानी। शुक्रिया। ये तुम्हारी लाडली भतीजी कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गई है। बाहर गई? अरे हमसे पूछे बगैर? नहीं नहीं, मुझसे पूछकर गई है वो। इस घर का सरबराह कौन है? मैं हूं ना, तो किससे पूछकर जाना चाहिए उसे? जी मैं उससे कह दूंगी कि आइंदा आपसे पूछकर जाए, उसे जहां भी जाना। अच्छी तरह से समझा देना उसे। और यही बच्चे होते हैं जो वो कहते हैं बेराह रवि की तरफ चले जाते हैं। हाँ वो राशिद का कमरा ठीक कर देना, कभी भी आ सकता है। जी जी आप फिक्र नहीं करें। कहाँ रह गई बेला, अब तक कॉल क्यों नहीं उठा रही है? हाय शासन। हाय। कैसे हो तुम? I'm always good. क्या बात है, तुम्हें तो पलट के पूछा ही नहीं, ना फोन किया ना कोई मैसेज। इतनी जल्दी भूल गए मुझे, क्यों? अमल यार, हर किसी का अपना लाइफस्टाइल होता है बेबी, सबका अपना सोशल सर्कल होता है, और तुम्हें इस चीज को समझना होगा, हमारे साथ चलना होगा। अब हम बार बार इस तरह मुड़ के तुम्हारा हाथ तो नहीं थाम सकते ना, यू शुड अंडरस्टैंड। तुम सही कह रहे हो, कोई किसी का इंतजार नहीं करता है ना। इंतजार तो वो भी था ना जो हमें कंबाइंड स्टडीज के लिए जाना था अब्रॉड, लेकिन जा नहीं सके। वो इंतज़ार भी तो ख़त्म हो गया ना। मुझे डैड ने फोर्स किया कि मैं यहीं पे रुक के अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूं और उनका बिजनेस में साथ दूं। एनीवेज किसी ने इतने इसरार से रोका मुझे कि
जाने का मना ही नहीं कर सका। I'm happy for you. Hi, Amit. Hi, happy birthday. Thank you. कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा गाइज, I'm getting a call. एक मिनट। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? नहीं। Hi. Happy birthday. Thank you, but you are late. Good to see you. Good to see you too. कैसे हो? मैं ठीक, तुम बताओ। चले हो? तुम जाओ, बस मुझे एक मिनट बात करनी है रेहान से। रेहान, तुम प्लीज ये पैसे रख लो, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। अमर, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, ये पैसे अब तुम्हारे हैं। इंसान को पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, और तुम्हें भी पड़ेगी, प्लीज ये रख लो। लेकिन मैंने कहा ना, रख लो। अच्छा, तो इस वजह से तुमने अपनी बाइक बेची थी? ये मेरा और अमल का पर्सनल मैटर है, प्लीज मैं डिस्कशन नहीं चाहता इस पे। पर्सनल मैटर? मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ रेहान, मुझसे क्यों छुपाई ये बात? उसकी वजह से तुमने अपनी बाइक बेच दी और उसने सारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मार दिए। प्लीज, मैंने कहा ना, ये उसका मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले ये सब। वैसे भी तुम्हारे केस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ। रेहान ने मुझे पैसे देने के लिए अपनी बाइक सेल कर दी। इस वजह से तुमने अपनी बाइक बेची थी? ये मेरा और अमल का पर्सनल मैटर है, प्लीज मैं डिस्कशन नहीं चाहता इस पे। पर्सनल मैटर? मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ रेहान, मुझसे क्यों छुपाई ये बात? उसकी वजह से तुमने अपनी बाइक बेच दी और उसने सारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मार दिए। प्लीज, मैंने कहा ना, ये उसका मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले ये सब। अरे नोमी, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, इस तरह गेम छोड़कर कौन आता है? बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे डिग्रेड करने का, क्यों इतना ओवर स्मार्ट बनते हो? अरे नोमी बेटा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? राफे बस हेल्प कर रहा था मेरी। अरे बेटा रहने दो, इन लोगों के तो खून में शामिल है दूसरों का दिल दुखाना और नीचा दिखाना। कैसी बातें कर रही हो नायना? क्या गलत कहा मैंने सोनिया? जब ये बाप बेटा आपस में खेल रहे थे तो जरूरी था तुम्हारा बेटे का बीच में जाके उनसे लड़ना? सारा दिन टाइम नहीं मिलता, पढ़ता रहता है मेरा बच्चा, जरा सी देर अपने बाप के साथ खेल रहा था, आग लग गई तुम्हारी औलाद को। नहीं मामी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस मामू की हेल्प कर रहा था। देखा, गज भर की जबान है इसकी, किस कदर जबान चलाता है, जरा भी तमीज नहीं सिखाई अपनी औलाद को तुमने। नायला प्लीज, गुस्सा तो मत करो यार, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा ऐसी हालत में। और सोनू प्लीज, तुम राफे को लेकर अंदर जाओ। और हाँ, आइंदा जब भी मैं नोमी के साथ खेल रहा हूँ तो कोशिश किया करो कि राफे ना आया करे मेरे सामने। चलो
जाओ मनाओ अब। देख रहे हो मुझे, ज़हनी अज़ियत तो दोनों बहन भाई। राशिद अभी तक पहुंचा नहीं, आ जाए तो मुझे बता देना। अच्छा ठीक है। अरे सोनू की कॉल आ रही है। मैं भी मम्मा से बात करूं? अच्छा तुम कर लो, उठाओ। हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? आपको पता है मैं फूफा से भी आप ही के बारे में बातें करी थी। देख लो, मेरी बेटी ने मुझे याद किया और मैंने कॉल कर ली। क्या कर रही हो? अभी तो हम लोग रूम में ही हैं। पहले मैं फूफा के साथ किचन की कबर साफ करवा रही थी। अरे वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि फूफा के साथ हाथ बटा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई मुझे सुन के। अच्छा मेरी जरा बात कराओ रुबा पापा से। जी मामा, अपना ख्याल रखिए, मेरी तरफ से खुदा। हाँ सुनो, बोलो कैसी हो? राफी कैसा है? मैं ठीक हूँ और राफी भी ठीक है, सो रहा है। कल बात करवाऊंगी सुबह को। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बल्कि ऐसा करो कि कल तुम लोग मेरी तरफ आ जाओ ना। हाँ पाप, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी राफे के सिलसिले में। हाँ हाँ बोलो। आपा मैं सोच रही हूँ राफे का दोबारा से स्कूल का एडमिशन करवा दूँ। मेरा बच्चा बहुत डरा डरा सहमा सहमा सा रहने लगा है। क्या हो गया है सोनू? सब खैर तो है ना? आपा वो मैं आपको मिलकर बताऊंगी। आप मेरे साथ राफे के स्कूल में चलेंगी ना? वो क्या है कि पहले तो हमेशा मैं इश्फाक के साथ जाती रही हूँ, इसलिए अकेले जाते हुए कुछ अजीब सा फील हो रहा है। आप मेरे साथ चलेंगी तो थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। फिकर नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी स्कूल और उसके प्रिंसिपल से भी बात करूंगी। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। किस बात का शुक्रिया? अमल और राफी मुझे बहुत अजीज है, मेरे भाई के बच्चे हैं। जी आपा जानती हूँ, इसी बात की तो तसल्ली है मुझे कि मेरी बेटी आपके साये में बिल्कुल महफूज है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लो अमल से बात करो। ठीक है, आप आराम करें, बात करवाएंगे। अमल फोन पे बात करके मुझे दे देना। हेलो मामा, सब ठीक है मैम? राफे कैसे है? तुम किन सोचों में गुम हो? बाहर कब से घंटी बज रही है, पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। इस वक्त कौन आ गया? अरे हाँ, वो राशिद ने कहा था आने के लिए। राशिद ने कहा था, उसको भी कोई वक्त का ख्याल नहीं है, इस वक्त उठा के आ गया। ओह भाई, मैं राशिद हूं, राशिद। और तुम? मैं अमल। अमल, भाभी ने बताया था घर में मेहमान आए हुए हैं, तो तुम अमल हो। अमल इश्फाक, सोनिया भाभी की बेटी है ना? तुम तो काफी बड़ी हो गई हो, कद काट भी खूब निकाला है तुमने, खूबसूरत भी हो। मैं फूफो को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, भाभी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें सुबह पता चल जाएगा, तुम रहने दो। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, पहुँच गए तुम? जी 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 पहुँच गया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माफ करना, वो तुम्हारी बेल की आवाज नहीं सुनाई दी मुझे। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, खाना तो मैं खा कर आया हूँ, हाँ, लेकिन चाय पीऊंगा वही आपके हाथों की कड़क। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। अमल आओ, तुम भी मेरे साथ किचन में आ जाओ, कबाब भी तल लेते हैं।
कबाब तो खाओगे ना? हाँ कबाब तो खाऊंगा। आजा। मेरे लिए भी चाय बना दीजिए। जी जी बैठ बैठ। जी जी आप यहाँ बैठ। चले। कितने अरसे के बाद मैंने अपनी अमल के चेहरे पर इस तरह सुकून देखा। ये एहसान मैं आपका सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी, जिस तरह आपने माँ बन के मेरी बेटी को संभाला है। अमल मुझे भी बहुत अजीज है सोनू, बस राफे का एडमिशन हो जाए स्कूल में, फिर दोनों मिलकर बैठ के अमल के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने आपा, पहले चलकर राफे के स्कूल का पता कर लेते हैं। मामा। अरे अमल आप कब आए और राफे कहाँ है? राफे नहीं आया मेरे साथ। नहीं आया मतलब वो वहां अकेला है? मामा आपको पता है ना उसकी आदत है, सबसे पहले नींद से उठकर आपको देखता है, से आप नजर नहीं आएंगी तो वो परेशान हो जाएगा। राफे सो रहा था, मैंने उसे नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा, और वैसे भी एक आध घंटे में काम निपटा कर मैं चली जाऊंगी। कैसा काम? आप लोग कहीं जा रहे? हम राफे के स्कूल जा रहे हैं। अब इन सब हालात की वजह से ना उसकी पढ़ाई पर बहुत खर्च हुआ है, तो हम इसको दोबारा स्कूल में एडमिशन कराना चाह रहे हैं। हाँ अमल, इसी सिलसिले में राफे की स्कूल की प्रिंसिपल से बात करने जा रहे हैं। मामा ये तो बहुत अच्छी बात है, राफे को स्कूल जाना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। हम जा रहे हैं ना, हम जाकर बात कर लेंगे, और वैसे भी तुम्हारे अनवार अंकल और राशिद किसी भी वक्त आने वाले हैं। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस हम जा रहे हैं। तुम ऐसा करना कि अच्छी तरह से घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठीक है? जैसे पप्पो कह रही है वैसे ही करना, ठीक है? जी मामा। अभी आ जाती हूँ मैं। जल्दी आइए। लाफिस। लाफिस। थैंक यू अभी। वो रेहान, मुझे तुमसे बात करनी थी। जी आप ही? वो अनीला बता रही थी कि नया सिलाई कढ़ाई और अड्डे के काम का ऑर्डर आया है। इस बार ओनर पैसे भी अच्छे दे रही है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं कर लूं। अभी मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आप अगर आपको बेहतर लगता है तो आप कर लें, आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं। यहाँ तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करती। सच बताओ करूँ या नहीं? अभी जब आपने बच्चियों को पढ़ाने का कहा, आर्ट और क्राफ्ट सिखाने का बोला, मैंने एतराज नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छा काम था। मैं नहीं चाहूंगा कि आप यूं अड्डे पर काम करें। आखिर इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है अभी, मैं नहीं चाहता आप एक एक मोती टांग कर अपने जहेज का सामान इकट्ठा करें। ये मेरी जिम्मेदारी है और इसे मैं ही पूरा करूंगा। बस जैसे ही मेरी नौकरी होगी मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आप देखा फैजा, कितनी खुश नसीब हो जो इतना अच्छा भाई मिला है तुम्हें, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। खुश नसीब मैं हूं अम्मी, जो मुझे आप ही जैसी बहन मिली।
और आप ही तो कहती थी कि वो भाई खुश नसीब होते हैं जिनके पीछे से मैंने हाथ उठाकर दुआएं करती। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय, अल्लाह। अच्छा ध्यान से जाना। जी। ओके। अल्लाह इसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। चल बेटा, एक कप चाय का मुझे भी दे दे। जी अम्मा। कैसी हैं आप मिसेस अशफाक? जी मैं ठीक हूँ। वो हम राफे के सिलसिले में आपसे बात करने आए थे। जी फरमाइए। मैं राफे का दोबारा से एडमिशन करवाना चाहती हूँ स्कूल में। आपको तो पता है ऑलरेडी काफी स्टडी का उसके लॉस हो चुका है। मिसेस अशफाक, वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि राफे इतनी जल्दी रिकवर कर पाएंगे? बिकॉज इट्स टू लेट। जी मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं उसे कवर करा लूंगी। आप फिक्र मत करें, आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं होगी। आप तो जानती हैं मेरा बेटा राफे हमेशा से ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है। ओके, फिर आप एडमिन ऑफिस जाकर जितने भी ड्यूज हैं वो सब क्लियर करवा दीजिए। मैडम आपसे एक बात करनी थी। जी। बस हमारी दरख्वास्त है आपसे कि राफी की फीस अगर आप आधी कर दें, क्योंकि देखिए ना राफे इतना इंटेलिजेंट बच्चा है आपके स्कूल में। सॉरी, मैं किसी किस्म की कोई फेवर नहीं कर सकती। देखिए ये कोई खैराती इदारा तो है नहीं जो मैं हर बच्चे की फीसें माफ़ करती फिरूँ। वैसे भी मैंने राफे को स्टडी अलाउ कर दी है। जिस तरह की आपकी रिपोटेशन है उस लिहाज से सिचुएशन में कोई भी ऐसा नहीं करता, इसे आप मेरी फेवर ही समझिए। वरना इस सिचुएशन में कोई भी कॉपरेट नहीं करता जिस तरह का मैं आपके साथ कॉपरेट कर रही हूँ। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जी जी मैं समझ गई हूँ। एक्सक्यूज मी। इमल बीबी, ये बाजी कब तक आएंगे? पता नहीं, कहकर तो एक आध घंटे का गई थी। अब तक आ जाना चाहिए ना, काफी देर हो गई है। मैं कॉल करती हूँ। राफे के स्कूल जाना था बात करने के लिए, बस आते होंगे, मैं मैसेज कर देती हूँ। अमल एक ग्लास पानी मिल जाएगा प्लीज? जी। और ऐसे करो मेरे लिए चाय ले आओ। छोड़ो चाय क्या बनाओगी, वो पप्पू आती हैं तो उन्हें कहना कि मेरे लिए खाना ले आए, मैं कमरे में जा रहा हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। जी। जी। क्या हुआ? वो आपने सिगरेट चलाई तो उसने। ओ अच्छा। तुम्हें सिगरेट पीने वाले लोग पसंद नहीं है, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूं। कहो ना। ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे कहने से आप सिगरेट क्यों छोड़ेंगे? अरे होता है ना, कोई अपना करीबी दिल से बात कहे ना तो दिल तक असर करती है। तुम क्या कर तो देखो, राशिद स्मोकिंग छोड़ देगा, बल्कि स्मोकिंग से नफरत करने लगेगा। कहो ना।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ है तुम्हारे? वो अपने कमरे में है, मैं देखता हूँ, मुझे भी उनसे जरूरी काम। जाओ अमन मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर। जी। मामा क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आप लोग तो राफे के स्कूल गए थे ना, क्या कहा उन्होंने? राफे कल से स्कूल जा रहे हैं ना? हाँ हाँ जरूर जाएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएगा। आपा अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरा राफे उसी तरह के बड़े स्कूल में पढ़ता, लेकिन जिस स्कूल में हम उसके एडमिशन के लिए गए हैं वो उसके लिए ठीक नहीं लगा मुझे। क्या मतलब? हाँ बेटा गए थे, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि यहाँ पर सब राफे के फादर को जानते हैं तो बच्चे बहुत तंग करेंगे उसे। ऐसा कहा उन्होंने? प्रिंसिपल ने तो आधी फीस की बात तक नहीं सुनी। अब मुझे खुद ही बताओ कि पूरी फीस हम कहाँ से दे पाएंगे, इसलिए हम दूसरे स्कूल चले गए, वहाँ से फॉर्म लेकर आए हैं। हिसाब किताब किया है, तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपये लगेंगे फीस में। आपा मैं जॉब कर लेती हूँ, किसी भी तरह करके उसके स्कूल की फीस के पैसे जमा करती हूँ ताकि वो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सके पहले की तरह जैसे पढ़ता था। तुम कहाँ से जॉब करोगी सोनू, जिनके पास डिग्री है वो थक्के खा रहे हैं। तुमने तो सिर्फ इंटर किया और उसके बाद तुम्हारी शादी हो गई थी, फिर तो तुम बच्चों में और घर में इतनी मसरूफ हुई कि बाद में पढ़ी नहीं सकी। पापा अगर मालूम होता कि किस्मत ये दिन दिखाएगी तो कम से कम मैं अपनी तालीम ही मुकम्मल कर लेती। मामा प्लीज आप परेशान मत हो, मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। आप देखिएगा मैं अपने भाई को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, बिल्कुल वैसे जैसे आप चाहती हैं। आप उदास मत हो प्लीज। ना बेटा तुम वो गलती नहीं करोगी जो तुम्हारी मामा ने की है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी और उसे कंप्लीट करोगी, जॉब नहीं करोगी। मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? पुप्पो अनवार अंकल अपने रूम में गए, कह रहे थे कि वो खाना वहीं खाएंगे, तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे उनके। अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ उन्हें, तुम बैठो। पापा मैं भी चलती हूँ। अमल बेटा राफी घर पर अकेला है, उठ गया तो परेशान हो जाएगा, ठीक है ना? कल आऊंगी मिलने, ठीक है? आ जाना कल। अच्छा सोनिया, सोनिया तनी कहां मर गई, इस हालत में कोई नाश्ता देने वाला भी नहीं है। अरे ओ चोर की औलाद उठ, अभी तक सोया पड़ा है, मेरे घर में नहुसत फैला रहा है। आंटी मामा कहां है? मुझे क्या पता तुम्हारी मामा कहां है, अरे मैं कोई नौकरानी हूँ जो आने जाने का पता रखूंगी। मामा ओ अपनी गुमशुदा माँ को ना बाद में ढूंढ लेना, दूध गरम करके दे, भूख लग रही है, कुछ खा पी लूं तो दिल को सुकून आए। क्या सोच रहे?
आंटी मैंने तो कभी चूल्हा भी नहीं जलाया, धूप कैसे गर्म करूंगा मैं? चूल्हा जलाना कैसे आएगा? सारी जिंदगी बाप ने अयाशी जो करवाई, चूल्हा जलाना तो तब आता जब तुम लोग जमीन पे रहते, सारी जिंदगी आसमान पे उड़ते रहे। मुंह के बल गिरे हो ना, कोई उठा भी नहीं पाएगा तुम लोगों को। चल, चल, आंटी, उठ, पहन चप्पल। चल। डर गए? मजाक कर रही थी मैं तो। ये दूध रखा है, इसमें चीनी डालो और मुझे लाके दो गर्म करके। आंटी, मुझे दूध नहीं गर्म करना आता। नहीं आता तो सीख। आइंदा अगर तुम्हारे मुंह से ना सुनी ना मैंने, तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को भीख मांगने के लिए सड़क पे छोड़ दूंगी। अच्छा, करता हूँ। जल्दी, बहाने बाज कहीं का।